हेलो एवरीवन, तो आज ये आपके सामने है भाई बलिनो का सीएनजी वेरिएंट, जिसका कस्टमर को काफ़ी दिनों से इंतज़ार था कि भाई बलिनो सीएनजी में कब आएगी। तो फाइनली भाई सीएनजी आ गई है। देखा था सेम, आगे का लुक सेम है, गाड़ी में कोई डिफरेंस नहीं है गाड़ी में, ठीक है। बाकी अलॉय व्हील्स वगैरह सब कुछ सेम है। एक यहाँ पर फ्रंट पे इसमें स्टिकर दिया हुआ है सीएनजी का, जो नॉर्मली सारे सीएनजी कार में आता ही है लगा हुआ। तो बाकी इसमें अभी बाकी अलॉय व्हील वगैरह सारे सेम है इसमें, ठीक है। चलो इस बार अंदर देखते हैं गाड़ी में, अंदर क्या डिफरेंस है गाड़ी के अंदर में। तो भाई गाड़ी को एक बार ऑन कर लेते हैं। भाई सबसे पहले जो इसमें दे रखा है स्पीडोमीटर में चेंज कर रखा है, इसका सीएनजी के लिए अलग से दे रखा है स्पीडोमीटर। और बाकी इसमें आप देख सकते हैं बाकी जो अलग है वो दूसरा है इसके अंदर में। इसकी वॉइस तो कम करें। और इसमें एक अलग से यहाँ से फ्यूल चेंज और सीएनजी चेंज करने के लिए यहाँ पे एक स्विच दे रखा है गाड़ी के अंदर में। बाकी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम है गाड़ी का, डैशबोर्ड सेम है, सिस्टम म्यूजिक सिस्टम वही वाला है सेम जो गाड़ी में जेटा मॉडल में लगा हुआ आता था। बाकी गाड़ी में कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है। बाकी आप देख सकते हैं इसका स्पीडोमीटर में अलग से दे रखा है। बाकी चलो एक बार बूट स्पेस देखते हैं गाड़ी में कितना बूट स्पेस बचा हुआ है। बूट स्पेस भाई जो इसमें बचा हुआ है ये भाई ये है इसका बूट स्पेस। बाकी भाई बाकी गाड़ियों के अकॉर्डिंग इसमें काफ़ी बूट स्पेस है, ये आप देखेंगे इसमें काफ़ी मतलब छोटा मोटा बैग आप इसमें रख सकते हो पीछे, ये अपना स्टेपनी हो गई गाड़ी में, ठीक है। तो भाई इसमें यहाँ से जहाँ से पेट्रोल भरते हैं वहीं से इसका सीएनजी भी फिल करवा सकते हैं गाड़ी में। ये इसके अंदर ही सेफ दे रखा है कि बाहर से ओपन नहीं कर रखा है कि ओपन कहीं अलग से स्पेस दे रखा हो। इसमें एक ये भी है कि अगर आप इस फ्यूल लीड को अगर बंद नहीं करते हैं तो ये आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी जब तक ये बंद नहीं होगा, तो इसमें एक स्विच दे रखा है, इसमें ये बेनिफिट है। बाकी स्विफ्ट वगैरह में तो भाई राइट साइड में दे रखा है जिसकी वजह से बाहर ही खुला रहता है, तो ये इसका सबसे प्लस पॉइंट है कि ये दोनों चीज़ इकट्ठी दे रखी है कि आप पेट्रोल भी यहीं से भरवा लो और सीएनजी भी यहीं से फिल कर लो। बाकी भाई इसके अंदर ये बैंडिंग वगैरह मिल जाती है गाड़ी के अंदर में, बाकी काफ़ी अच्छी चीज़ है भाई। बाकी भाई बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, ये दूसरे वाला वेरिएंट है सेम जो आता है बिना सीएनजी वाला ब्लू कलर में। चलो बाकी इसमें फॉग लैम्प वगैरह आपको लगवाने ही पड़ेंगे गाड़ी के अंदर में। बाकी चलो ठीक है, थैंक यू।